डेरा ये जादू डेरा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? खैरियत से है? ठीक ठाक उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हमारा जो है ना प्लान बन गया है दीवान नमक मंडी पे आने का। शानी भाई, मैं और राशिद हैं चार बंदे, तो वो अंदर बैठे हैं कैबिन में, मैं बाहर हूँ, इंट्रो दे रहा हूँ। इंट्रो दे के फिर मैंने भी जाना है अंदर, तो चलते हैं देखते हैं किस चीज़ का वो ऑर्डर दे रहे हैं, फिर मिल के खाते हैं। सॉरी, खा तो नहीं सकते आप, देख तो सकते हैं ना। इमोशनल डैमेज। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें जो नए आए हैं। मिलते हैं अंदर जाके। यार ये केबिन है, ये सभी भाई साहब बैठे, सभी भाई हेलो तो कर दे यार। शानी भाई हेलो कर दे प्लीज। अच्छा यार, ये केबिन देखें काफ़ी अच्छा बना हुआ है, काफ़ी मज़े का सीन है यहाँ पे। और चेक करें, माहौल काफ़ी गर्म है क्योंकि नया नया है ना, कल ओपनिंग हुई थी इसकी। वैसे यार हमने ना ओपनिंग पे आना था, मगर ओपनिंग से हम रह गए। देखो ऊपर टेरेस पे भी इन्होंने जगह बनाई हुई है, नीचे भी है। अच्छा ये शनिवारी स्टाइल भी है इनका, ये टेबल वगैरह लगी है बैठने की। सामने इनके वो रूम्स वगैरह भी बने हुए हैं ये देखें, और ये साथ में ये कैबिन वगैरह भी छोटे बने हुए हैं। शान भाई ना कैबिनों को क्या दिन हट। अच्छा सॉरी यार, ये कैबिन नहीं, इनको कहते हैं हट। अच्छा अच्छा, राशिद भाई नजर नहीं, राशिद भाई नजर नहीं आ रहे हैं, राशिद भाई नजर नहीं आ रहे हैं। हमारी जो है ना ऑर्डर की डिस्कशन शुरू हो गई है, चेक करते हैं मेन्यू में क्या क्या चीज़ है, फिर ऑर्डर लगाते हैं उनको। शान भाई ये हमने ना वो क्या कहते हैं, ये शनिवारी दर्जे का बिठाया हुआ है बट कढ़ाई डी खान में, पहले कभी नहीं आया। हाँ शानी भाई, बट कढ़ाई खाते हैं हिसाब किताब है, बट कढ़ाई में से कुछ और थोड़ा बारबेक्यू का ट्राई करेंगे कि बारबेक्यू और ये दोनों चीजें कैसे हैं। शानी भाई मैंने तो एक लंबा कबाब देखा, पता नहीं इतना लंबा कबाब था, मैंने पहली दफा देखा। साथ में कबाब भी खा लिए हैं, और क्या कहते हैं वाइट कढ़ाई भी खा ली है, और तीन चार किस्म के नान थे हमने वो भी अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया। मतलब कहने का यह था कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ खा लिया, चाट कर लिया। चाट तो नहीं की इस बार, बच गए थोड़े से यार हमसे।
नहीं मानता। पहले से एक कबाब मंगा लिया था, उससे हमारा थोड़ा पेट फुल हो गया क्योंकि भूख काफी लगी हुई थी, और ऑर्डर देने में ना इन्होंने काफी जल्दी की है। मतलब आम जो हमारे यहाँ पे रेस्टोरेंट है ना, सर्विस अच्छी है। हाँ सादी जबान में सर्विस अच्छी है, क्योंकि वो आम जो अदरवाइज जितने भी है ना रेस्टोरेंट वो काफी टाइम लगाते हैं ना सर्विस पे। इन्होंने अच्छी सर्विस है, नए नए है, तो फौरन से इन्होंने दे दिया हमें। इसके बाद जो है ना प्लान ये है, इसके बाद क्या प्लान है शानी भाई, घर जाने का? अच्छा यार, इसके बाद जो है ना प्लान ये है कि हमने घर जाना है सीधा। टाइम काफ़ी लेट हो गया है, अभी बज रहे हैं रात के 11:30 ना, तो सेबी ने भी घर जाना है, राशिद ने भी घर जाना है, शानी भाई ने भी घर जाना है। आज यार अनाबिया गिरी है शानी भाई की बेटी, तो उसका बाप जो है ना थोड़ा सा दुख गया, तो वो रो रही थी पीछे हमारे, तो अभी फिर शानी भाई ने फिर वहाँ भी जाना है। चलें फिर, आपको उम्मीद है मज़ा आया होगा, हमें तो काफ़ी मज़ा आया यार। काफ़ी अच्छी सर्विस भी थी, काफ़ी अच्छा टेस्ट भी था, साफ़ सुथरा माहौल था, VIP किस्म का माहौल था, तो काफ़ी मज़ा आया, दिल जीत लिया दीवान वाले ने यार। वैसे अगर आप भी आना चाहें दीवान पे, तो ये दीवान का जो एड्रेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आपको ज़बानी करा भी बता भी देता हूँ। ये जो है ना फौरा चौक हमारा, उसी साइड पे लसानी होटल के बिल्कुल ही सामने, लसानी क्योंकि मशहूर जगह है यहाँ की रेस्टोरेंट में, तो यहाँ से या लसानी के बिल्कुल अपोजिट सामने ही होता है दीवान नमक मंडी। और मेन्यू भी काफ़ी अच्छा है इनका, आपको शनिवारी की हर किस्म की वैरायटी मिल जाएगी, बटकड़े की भी मिल जाएगी, टिक्के वगैरह की सारी आपको मिल जाएगी। प्लेटर भी था, बड़ा अच्छा प्लेटर था, साथ एक बंदे खा रहे थे, मैंने वीडियो में डाला, वो आप चेक करना, प्लेटर बनाया हुआ था काफ़ी मज़ा खट्टी कबाब का। चलें फिर थोड़े से हम गपशप मारते हैं, फिर उसके बाद विदा एंड कर देंगे, तब तक आप इंतजार करें। समय वो शुरू में स्टार्ट हुआ है ना, तो रश बहुत ज़्यादा है, उसके लिए मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है बंदे के लिहाज से, लेकिन ओवरऑल जो है ना टोटल वगैरह सारा बेहतरीन था, मज़ा आया इसी यार। एक और बात, हमने ऑर्डर जो है ना काफ़ी लंबा चढ़ा दिया था, मगर यार एक मज़े की बात यह कि उसका बिल जो है ना काफ़ी कम आया है। मतलब भाई यार आम जो हमारे डिहा के होटल वगैरह है ना, वो जितना उनकी तरफ से बिल आ जाता है उससे काफ़ी कम आया है बिल। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना कम बिल आएगा, मगर काफ़ी कम बिल आ गया। अभी फिर शानी भाई वो बिल पे कर रहे हैं, चाबी मैंने कौन ही शानी भाई, मैं बिल पे कर रहे हैं, बिल पे करके आते हैं तो फिर चलते हैं घर की तरफ। यार बिल जो है ना शानी भाई ने पे कर दिया है, काफ़ी सूटेबल आया है बिल, इतना ज़्यादा लंबा चला नहीं था जितना ज़्यादा सामान था ना, और आज इनका ना 10% के था, 15% शायद ऑफ भी था ओपनिंग के लिए ना, तो कल इनकी ओपनिंग हुई है, आज दूसरा दिन है, कल भी इनकी होगी क्या कहते हैं डिस्काउंट ये होगा, 3 दिन के लिए था इनका। तो चले यार हमें तो काफ़ी मज़ा आया है, उम्मीद है चीज़ें और माल मटेरियल देगा आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और हाँ चलते हैं फिर ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिले के फिर कल जिंदा बाकी रहे तो इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ। यार जो भी चैनल पे नए हो बराए करम यार लाइक और सब्सक्राइब कर दो, लाजमी कर दो, मिलते हैं फिर, ओके अल्लाह हाफिज़।